नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ ये आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा। आज की जो वीडियो है ये सिर्फ हिताची 1.5 टन और 2 टन हॉट एंड कोल्ड एसी के रिगार्डिंग है। मैंने वैसे जो अनबॉक्सिंग करा है वो सिर्फ 1.5 टन का करा हुआ है, बिकॉज अभी मेरे पास जो फिलहाल अवेलेबल है 1.5 टन का अवेलेबल है। 2 टन का मशीन आई थी, काफ़ी सारी मशीनें आई थी, बट वो मशीनें परसों खत्म हो गई थी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है टोटली हॉट एंड कोल्ड के ऊपर होने वाली है। वैसे हिताची के अंदर सिर्फ एक ही मॉडल आता है जो हॉट एंड कोल्ड के अंदर आता है, जो कि अभी रिसेंटली भी लॉन्च हुआ था। पिछले साल भी आता था, पिछले साल 4-स्टार रेटिंग में आता था, अब ये 3-स्टार रेटिंग में आता है। मतलब 2022 जुलाई के बाद अभी ये 3-स्टार रेटिंग हो गया, उससे पहले ये 4-स्टार रेटिंग आता था। सबसे पहले बात करें मॉडल नंबर की, तो मॉडल नंबर है इसका RASG318HGXA। इसका मॉडल नंबर है, ये 1.5 टन का मॉडल नंबर है। अगर 1.5 टन की जगह 2 टन का हम देखते हैं तो 318 की जगह 324 होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर टेक्निक मतलब वैसे मैं अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन, लुक, फीचर्स सब कुछ सेम है, बस कूलिंग कैपेसिटी का फर्क आता है, बाकी टन का फर्क हो गया, कंप्रेसर का फर्क हो गया, ये सारी चीज़ों का फर्क होता है। बाकी 1 टन 2 टन ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ों के साथ आता है, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आती है मशीन है। बात करें इसके इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो 65,200 रुपीज़ पड़ता है। वैसे इंडोर आउटडोर अलग अलग MRP होती है। इंडोर पे आपकी 22,900 रुपये होती है और आउटडोर पे 42,300 होती है। 22,900 रुपीज़ इंडोर के ऊपर है और 43,200 इंडोर के ऊपर जो MRP आपकी वो है 22,900 और आउटडोर के ऊपर जो MRP है वो 43,200 है। तो इंडोर के ऊपर जो एमआरपी है वो आपकी आती है 22,900 एंड आउटडोर यूनिट के ऊपर जो एमआरपी आती है वो आती है 42,300 रुपीज़। तो टोटल एमआरपी की बात करें तो 65,200 रुपीज़ की एमआरपी आती है। जो कि अगर आपको मैं बात करूं, आपको जो अभी के लिए जो स्पेशल प्राइस आया हुआ हमें हमारे पास विंटर्स के लिए वो सिर्फ 38,500 रुपीज़ का है। तो 38,500 रुपीज़ में आप ये 1.5 टन का 3-स्टार इन्वर्टर एसी आप परचेस कर सकते हो। अगर 2 टन की कॉस्टिंग की बात करें विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 56,000 रुपीज़, तो इसके आसपास ही है। तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे तो मैं वहाँ पे भी प्राइस शेयर कर दूंगा 2 टन का, या इनकेस अगर किसी और मॉडल का भी आपको प्राइस चाहिए तो मैं प्राइस दे दूंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप यूनिट देखना चाहते हो तो हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हो। वैसे मैंने पूरा अनबॉक्सिंग डिटेल पूरा मतलब कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप पूरा देखोगे वीडियो तो आपको पूरे मशीन के बारे में सब कुछ आइडिया लग जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो मेन फीचर इसका यही है कि -15 डिग्री से 52 डिग्री तक ये काम करती है मशीन। तो अगर आप एक्सट्रीम विंटर टेम्परेचर में भी देखते हो तो ये बहुत आराम से काम करते हैं, बिकॉज -15 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी आराम से मशीन काम करती है। तो अगर आप देखा जाए इंडिया के मोस्टली ज़्यादातर पार्ट्स में आराम से मशीन ये ऑपरेट करती है। जैसे अगर आप बात करें मिट्सुबिशी हैवी की, उसका भी जो ऑपरेटिंग आपका टेम्परेचर है वो -15 से -55 डिग्री आता है, तो उसका ऑलमोस्ट सेम है, -15 से -52 डिग्री सेल्सियस है। तो ओवरऑल मशीन की वर्किंग अच्छी है, 100% कॉपर की मशीन है। आउटडोर का वेट अच्छा है, हैवी आउटडोर है, इंडोर भी अच्छा है, हैवी डिसेंट आउटडोर है। ये इंडोर की कुछ फोटो है, ये देख सकते हो आप। बाकी फीचर की बात करूँ कुछ खास फर्क नहीं है। बाकी ब्लोर इसमें सेम आता है, जो सब 115 mm का बाकी ब्लोर आता है इनका, बाकी जितने भी इन्वर्टर एसी आते हैं सबके अंदर सेम ब्लोर लगा होता है। साइलेंट एयर आता है, बाकी इसमें ऑडोर फ्री एयर आता है। ऑडोर एयर का मतलब होता है कि इसमें जैसे यूनिट कभी भी आपको लगे कि यूनिट ज़्यादा गंदा हो रहा है तो उसमें एक ऑप्शन दिया होता है कि ऑडोर एयर का, कि आप वो बटन प्रेस करोगे पूरी कूलिंग कॉइल के ऊपर आपका मॉइस्चर बनता है और वो मॉइस्चर जब वो मेल्ट होगा और मेल्ट होगा उसके बाद सारे डस्ट पार्टिकल को बाहर कर देता है, उसके बाद वो कॉइल को ड्राई कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें कॉइल की लाइफ और थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। एक तरह से कह सकते हो कि इंडोर की सेमी सर्विसेज, पूरी सर्विसेज नहीं कहूँगा मैं, बट एक टाइप की सेमी सर्विसेज जो है वो आपकी इसी में हो जाती है। तो आपको एडिशनली कभी मतलब जैसे यूनिट फिल्टर वगैरह साफ करते हो तो आप साथ में ये भी कर सकते हो, इससे यूनिट की परफॉर्मेंस और अच्छी होती है। बाकी अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी भी जो आती है इसमें वो स्टैंडर्ड जो वारंटी है वो 1 साल की कंप्लीट वारंटी मिलती है आपको, 5 साल पीसीबी इंडोर आउटडोर दोनों पीसीबी कवर होता है इसमें, वो लगभग सारी कंपनी अच्छी में कवर करती है, और 10 साल आपको कंप्रेसर पर वारंटी मिलती है। इसी में अगर बात करें तो कंपनी ने 22 दिसंबर को एक एडिशनल वारंटी स्टार्ट करी है जिसमें कंपनी 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रही है। 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी में 3 कंडीशन है, इनफैक्ट 4 कंडीशन है कह सकते हो आप। सबसे पहली कंडीशन है कि आपको इंस्टॉलेशन कंपनी से कराना पड़ेगा, जिसका अभी जो चार्ज है वो 1199 प्लस GST इंस्टॉलेशन चार्ज है, और आपको हर साल 2 बारी सर्विस करानी पड़ेगी कंपनी से, जिसमें एक ड्राई एक वेट सर्विस होती है। वेट सर्विस इनका अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपीज़ चार्ज है और ड्राई सर्विस का 700 रुपीज़ चार्ज है, और विजिट चार्ज आपको 1 साल के बाद पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई पार्ट खराब हो जाए, कोई गैस निकल जाए, वो सब कुछ कवर होता है, आपको 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। अगर आप ये लेना चाहते हो तो ये ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी। वैसे स्टैंडर्ड वारंटी जो आ रही है 5 ईयर PCB 10 ईयर कंप्रेसर 1 साल कंप्लीट, तो ये तो एप्लीकेबल है ही,
अगर आप 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी लेते हो तो बस आपको हर साल दो बारी सर्विस करानी है, तो ये आप ये 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी अवेल कर सकते हो। ये कंपनी ने 22nd December को लॉन्च करा था, जो कि मेरे हिसाब से इस थ्रू आउट सीजन तो ये वारंटी रहने वाली है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, वहाँ पे दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग में आपको करके। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो पे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है हिताची 1.5 टन 3 स्टार हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर एसी की। विंटर्स अपने पीक पे है और इस टाइम हॉट एंड कोल्ड एसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हॉट एंड कोल्ड एसी का अनबॉक्सिंग डिटेलिंग फुल वीडियो। सबसे पहले जैसे कि देख सकते हो आप, ये आउटडोर यूनिट है, मैंने इसका बेल्ट उतार दिया है और यहाँ ये इसका स्टिकर लगा हुआ है जिसका मॉडल नंबर है आउटडोर का CSQG318HGXA। और देख सकते हो अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दिसंबर 2023 की है, बिकॉज हॉट एंड कोल्ड कंपनी में आ नहीं रहा था बहुत लंबे टाइम से, हमारे पास आया है और आते ही मैंने वीडियो बनाई। आए हुए वैसे 4-5 दिन हो गए, तो मैंने सोचा वीडियो बना ली जाए फटाफट से। और इसकी MRP की बात करें 42,300 इस पर आउटडोर पे MRP है। इंडोर पे अलग MRP होती है, आउटडोर पे अलग MRP होती है, मैं आपको टोटल करके बता दूंगा जो दोनों की MRP है। और इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो इंडोर आउटडोर पूरा स्पेयर सेट होता है वो, और कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये हमने अभी सेल में लगाया हुआ है 38,500 रुपये का है ये 3-स्टार रेटिंग हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर। इसमें जो आपको वारंटी देखने को मिलेगी वो मिलेगी 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव, 5 साल PCB, 10 साल कंप्रेसर की। इसमें भी 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी का ऑफर भी चल रहा है जो कि आपको पहले बताया था। तो चलते हैं देखते हैं और क्या मिलता है। इसमें हमें कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है 5,100 से 5,300 कूलिंग कैपेसिटी है इसकी, और जेनसन कंट्रोल हिताची एयर कंडीशनर क्या है। साथ में हमें मिलता है इंडोर आउटडोर यूनिट के अंदर हमें देखने को मिलता है क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है आउटडोर यूनिट के अंदर इंस्टॉलेशन कॉपर पाइप मिलती है, हमें कनेक्टिंग केबल मिलती है, मतलब आउटडोर यूनिट है, उसके बाद अलावा कॉपर पाइपिंग है, बस ये चीज़ें हैं इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसके अंदर। बाकी 100% कॉपर में हिताची की सारी मशीनें मैंने आती है, इसमें एल्यूमिनियम का कोई भी मॉडल नहीं आता, तो आप कोई भी मॉडल आग बंद कर ले सकते हो अगर आपको कॉपर में मशीन देखनी है। तो खोल के दिखाता हूँ मैं आपको इसका लुक, खोल पकड़ना भाई जाना इधर इधर इधर, देख सकते हो कुछ इस तरीके से कॉपर पाइपिंग की इंसुलेशन लगी होती है साथ में। और ये अकेली ऐसी कंपनी है जो कि अपने कॉपर पाइप के ऊपर भी इंसुलेशन चढ़ा के देती है, और वो इंसुलेशन भी फॉइल मतलब होता है ना सिल्वर फॉइल के साथ होता है इसका, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये हिताची ने आज तक अपना ये पैटर्न चेंज नहीं करा, और सिर्फ हिताची ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि शुरू से लेकर आज तक ऐसे ही कॉपर पाइप देती आई है। देख सकते हो ये इसका 100% कॉपर आउटडोर यूनिट है जो कि ब्लूफिन कोटिंग के साथ आता है, हालांकि ब्लूफिन कोटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, बस ये जस्ट पेंट होता है, बट फिर भी हिताची के अंदर आपको 3M की कोटिंग भी मिलती है आउटडोर यूनिट के अंदर, जिससे कोरोजन नहीं लगता, तो वो एडवांटेज आपको मिलता है हिताची में। बाकी यहाँ इसका कॉपर पाइप आपका है जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई है, यहाँ पर इसका वायर है जो कि साथ में अटैच रहता है, देख सकते हो ये इसका वॉल है जो कि हाफ और क्वार्टर का यूज़ करा हुआ है यहाँ पे, और ये ऑफ वाइट कलर में आता है जो कि लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सिल्वर थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर काफ़ी अच्छी लुक के साथ आता है। देख सकते हो इसकी लुक भी बहुत अच्छी प्रीमियम लुक आती है, DC इन्वर्टर लिखा हुआ है, बहुत अच्छी प्रीमियम लुक के साथ आती है। जिसका फैन ग्रिल जो देख सकते हो बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका, और एक्चुअल मशीन भी काफ़ी अच्छी है। क्या मिलता है हमें इधर, दो चीज़ें और, इसमें जो गैस मिलती है वो R410 गैस मिलती है जो कि इको फ्रेंडली गैस है, ओजोन लेयर को हार्म नहीं करता। अगर इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर में जो आउटडोर में मिलता है वो 31 kg का मिलता है, तो उसके कंपैरिजन इन्वर्टर फिक्स स्पीड के कंपैरिजन इसका जो आउटडोर है वो काफ़ी बल्कि है, काफ़ी अच्छा आउटडोर है मतलब। और मैं ये यहाँ से उठा रहा था और मैंने फील भी करा कि आउटडोर काफ़ी अच्छा था, हैवी था, तो इस तरीके से आउटडोर मिलता है हमें। चलते हैं इंडोर की तरफ, देखते हैं हमें इंडोर में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या लुक मिलती है। ये देख सकते हो ये इसका इंडोर यूनिट है, अभी मैंने पूरा खोला नहीं है, मैं सोचा पहले बॉक्स के ऊपर देख लें क्या क्या मिलता है। बॉक्स के ऊपर जो इंडोर यूनिट का मॉडल नंबर है उसका है ESQG318HGXA। ऐसे मॉडल की जो सीरीज़ है वो G318HGXA है, ये मॉडल सीरीज़ का नाम है। बाकी देख सकते हो दिसंबर 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी भी, बिकॉज हॉट एंड कोल्ड अभी रिसेंटली आए हैं,
और इंडोर की जो एमआरपी है वो 22,900 रुपये है और आउटडोर पे 42,300 रुपये है, तो टोटल एमआरपी बनती है 63,200 रुपये अप्रोक्सीमेटली। तो इंडोर यूनिट में हमें क्या मिलता है अंदर देखने को, पैकेज कंटेंट इंडोर यूनिट मिलता है, रिमोट कंट्रोल मिलता है, बस दो चीज़ें मिलती हैं हमें इंडोर यूनिट के अंदर, और कुछ नहीं मिलता। और अगर ग्रॉस वेट या ग्रॉस वेट की बात करें तो 13.8 केजी का है, जो कि इंडोर नॉर्मली इनका इतना ही रहता है, चाहे आप इन्वर्टर ले रहे हो, नॉन इन्वर्टर का थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा हैवी है। तो अगर आप इन्वर्टर 3-स्टार 5-स्टार की कंपेरिजन ले रहे हो तो सेम इंडोर है इसका इन्वर्टर सीरीज से। बाकी कूलिंग कैपेसिटी वही सेम है, 5,100 5,300। और दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग और क्या है बाकी, कस्टमर के नंबर ये वो बस। चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर क्या 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 कैसा कैसा मिलता है। कुछ इस तरीके से इसका बिल्कुल सिंपल रिमोट देखने को मिलता है। एक्चुअली ये 3-स्टार विंडो इसी जो 5-स्टार इन्वर्टर आता है अपना, एग्जैक्टली सेम रिमोट हैंडसेट है उसका भी, तो ये सिमिलर रिमोट है। लास्ट ईयर की लाइनअप में भी सेम ऐसे रिमोट आता था जिसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन है। तो ये इसका रिमोट हैंडसेट था। तो दोस्तों ये है इसका इंडोर यूनिट का एग्जैक्टली लुक, जो कि काफ़ी अच्छा लुक है। लास्ट ईयर तक जितने भी इताची के इन्वर्टर आते थे 3-स्टार 5-स्टार या हॉट एंड कोल्ड, सबका सेम लुक था। तो हॉट एंड कोल्ड का जो अभी भी लुक है वो सेम है जो पिछले साल आता था, एग्जैक्टली सेम लुक है। जिसका इंडोर का डायमेंशन की अगर बात करूँ तो ये 38 इंचेस चौड़ा है, मतलब 38 इंची का इंडोर मिलता है इसमें। और ये हमें स्टार रेटिंग का स्टिकर देखने को मिलता है, जहाँ पे मॉडल में मेंशन है RSQG318HGXA 2023। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें 5,100 मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है इसकी, 5,100 कूलिंग कैपेसिटी है, 2550% लोड पे है और 1040 इलेक्ट्रिसिटी ये पर ईयर कंज्यूम कर रहा है। वेरिएबल स्पीड है क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है, हीट पंप है इसलिए यस मेंशन है वहाँ पे। तो ये 3-स्टार रेटिंग इन्वर्टर मॉडल है जो कि काफ़ी अच्छा लुक है, ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे हिताची का लोगो और ये डीसी इन्वर्टर यहाँ पे मेंशन करा हुआ इन्होंने, बाकी और कुछ नहीं है इसके ऊपर। इधर इनका सीरियल नंबर वगैरह कुछ मेंशन है, देख सकते हो इसमें इंडोर का जो। तो ये था इंडोर यूनिट का लुक, मैंने आपको बताया इंडोर के बारे में, आउटडोर के बारे में, आपको वारंटी के बारे में बताया फुल डिटेल के ऊपर। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैसेजेस में काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे हॉट एंड कोल्ड के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, स्पेशली इताची 2 टन के लिए बोला था उन्होंने, बट 2 टन का मशीन फिलहाल मेरे पास स्टॉक में नहीं आया। एक्चुअली 3 मशीनें आई थी, 3 मशीनें बिक गई हैं तो इसलिए मैं बना नहीं पाया। ये 1.5 टन का, इसका एक्जैक्टली स्पेसिफिकेशन जो है वो सेम है 2 टन का भी। 2 टन में भी आपको 3-स्टार इन्वर्टर ही देखने को मिलता है। और सिर्फ कूलिंग कैपेसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें, तो बाकी लगभग सारी चीज़ें सेम है। मतलब फीचर की अगर बात करें तो वो फीचर लगभग सारे ही सेम मिलते हैं, कोई अलग नहीं है फीचर इसके अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।